हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग डिजायर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और टर्बो सी प्लस प्लस आईडी का इस्तेमाल करके हम एक इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। तो दिस इज मोस्ट अवेटेड वीडियो बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूजिंग ग्राफिक्स। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से जाकर देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैंने यूज किया था codeblocks आईडी को। उसके बाद इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर पाएंगे सी लैंग्वेज में, वो भी टर्बो आईडी को यूज करके। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए और इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक बिटमैप इमेज को टर्बो में इस्तेमाल कर पाओगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि टर्बो सी प्लस प्लस जो आईडी है उसमें आप केवल 16 बिट वाला, मतलब 16 कलर वाला ही बिटमैप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जनरेट करना होगा 16 बिट का बिटमैप इमेज। तो कोई सा भी आपको जो भी इमेज इंसर्ट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं कोई सा भी इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे कोई इमेज है, हाँ ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक इमेज है। तो ये अभी फिलहाल जेपीईजी फॉर्मेट में है और ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे 16 बिट बिटमैप कलर में, बिटमैप इमेज में सॉरी। तो इसके लिए मैं एडिट कर देता हूँ और एडिट करते ही आप इसको पेंट में खोल पाओगे, एमएस पेंट में। तो फिर मैं इसकी साइज कम कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 256, तो साइज भी रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां से जाना है और सेव एज करना है और यहां पर बीएमपी पिक्चर्स में आपको क्लिक कर देना है, राइट। तो बीएमपी पे क्लिक किया हमने, उसके बाद डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है आईएमजी का, आप देख सकते हैं, आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो या फिर डायरेक्टली आप अपने बिन में सेव कर पाएंगे इसे। तो चलिए सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में जाने के बाद जहां टर्बो है, टर्बो C4 है, उसके बाद डीसी है, डीसी के बाद हम बिन में गए और बिन में जाने के बाद यहां पर मैं इस इमेज को सेव कर देता हूं। बट उससे पहले आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा कि सेव एज टाइप। तो यहाँ पर टाइप हमें डिटरमाइन करना है जो कि ये 24 बिट बिटमैप कलर में है। तो ये 24 बिट तो वर्क करेगा नहीं टर्बो के साथ, तो यहाँ 16 कलर बिटमैप आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ आप इमेज का नाम देख पा रहे हैं, शशि है, SHA SHI, राइट। तो उस पे हम कर देते हैं क्लिक। तो ये हमारा यहाँ पर एक वार्निंग आपको देखने को मिल रहा है, द कलर क्वालिटी माइट बी रिड्यूस इफ यू सेव द पिक्चर इन दिस फॉर्मेट। तो वो जाहिर सी बात है, तो कलर क्वालिटी रिड्यूस तो हो चुका है, बट इस इमेज को हम इंसर्ट करेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने कलर क्वालिटी रिड्यूस किया है 16 बिट जो है, 16 कलर बिट मैप हमने सेव किया है। तो चलिए टर्बो सी में देखते हैं, यहाँ पर अपने फोल्डर में जाते हैं, टीसी में जाते हैं और बिन में जाते हैं और यहाँ हमने सेव किया था शशि के नाम से, राइट। तो SSSSSSS, तो यहाँ तो मुझे वो इमेज मिल नहीं रहा। चलिए व्यू करते हैं, लार्ज आइकन्स करते हैं, हाँ यहाँ आप देख पा रहे हैं वो इमेज SHA SHI सेव हो चुकी है। ऑलरेडी मैंने जे नाम से वो इमेज सेव कर लिया था, बट आपको अभी बताने के लिए फिलहाल मैंने SHA SHI से सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अपना आईडी ओपन करना है। इधर गया, ओपन कर लिया मैंने टर्बो को। अब मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और .c से बनाया मैंने, तो ये, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रोग्राम मैंने नहीं बनाया, ये प्रोग्राम मैंने कोडा से ढूंढा था। तो बट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस प्रोग्राम को, मैंने स्टडी किया इस प्रोग्राम के
पूरे प्रोग्राम को, और फिलहाल देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने जो इमेज सेव किया था, इमेज का पाथ हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज ये प्रोग्राम जहाँ पर है ये .c जिस फाइल के अंदर है, जिस फोल्डर के अंदर है, वहीं पर ये इमेज भी है। तो इमेज का नाम है shashi, करेक्ट। और मैं बता दूं आपको कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये बिट बाय बिट सबसे पहले तो उस फाइल को ओपन करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एफ ओपन हमने यूज किया है, तो यहाँ पर इस फाइल को ओपन करता है, और वो भी बाइनरी रीड मोड में। और ओपन करने के बाद उसके पिक्सल बाय पिक्सल वहां से उठाता है उसको, और हमारे जो कंसोल आउटपुट है उस पे ड्रॉ कर देता है। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल कर दिया हमने, और कंपाइल करने के बाद हम रन करते हैं इसे। और यहाँ पर आपको यह आपको इमेज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज इंसर्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस प्रोग्राम को सोर्स कोड को डाउनलोड कर पाओगे और कर लेना डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो फिलहाल मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि ये जो है पिक्सल बाय पिक्सल उस ओपन जो इमेज है उसको ओपन करेगा इमेज फाइल, और पिक्सल बाय पिक्सल ये ड्रॉ कर रहा है यहाँ, इसीलिए पुट पिक्सल का यूज हुआ है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।